तो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से वहां पर गतिरोध बना हुआ है साध्वी निरंजन ज्योति के मामले को लेकर। हालांकि पीएम ने यह कहा है कि ऐसी भाषा को मंजूर नहीं करता हूं मैं, मैंने सख्ती से अपने मंत्रियों और सांसदों को निर्देश दिया है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मंत्री जी पहले माफी मांग चुकी हैं और इसलिए अब इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो, इस तरह की हिदायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को दी है। उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें खास तौर पर उन्होंने हिदायत दी कि भाषा की मर्यादा पर ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए।